एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छी हेल्थ होगी। और आज का जो शूट है तो आई एम प्लानिंग कि आज मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू दूँ साथ साथ अपने डेली ब्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे एक प्रोडक्ट आया था तो मैं उसको अभी काफ़ी लाइक 3-4 दिन से यूज़ कर रही हूँ और मुझे वो कैसा लगा कैसा नहीं और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो वो मैं आपको बताऊँगी, तो स्टे कनेक्टेड। तो यहाँ बन रही है मेरी दालचीनी वाली ड्रिंक जो मैं सुबह खाली पेट पीती हूँ। और अगर आपको जानना है कि कौन सी ड्रिंक है तो मैंने अपने एक ब्लॉग में डाली है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो जो आज का हमारा प्रोडक्ट है वो है क्रैटस का फेस वॉश। वन इज़ विटामिन सी एंड अनदर इज दिस चारकोल। Personally love the packaging of this product. Like look at this, how beautiful the packaging is, and it comes with a pump and a silicone brush which you can use and you can refill it again. I just love the packaging, and as you can see here the bristles are so soft. बहुत ही सुंदर इसके bristles हैं और ऐसे ही pump करके निकलता है foam face wash है। रही बात कि कैसा प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी। इसको मतलब फेस पे लगाते ही आपको ऐसा फील होगा, एक अलग सा ग्लो आ रहा है, आपकी स्किन एक जाती है। और मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं सच में इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। मैं कभी भी ऐसे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करती जो कि बोलते हैं कि सुन के बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, नहीं मैं रिजेक्ट कर देती हूँ ऐसे कोलैबोरेशन। तो पहले मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ, फिर मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ कोई भी चीज़। तो ये फेस वॉश है जो विटामिन सी, इट इज़ फॉर ड्राई टू नॉर्मल टू ड्राई स्किन, एंड दिस वन हेयर इज़ कॉफ़ी एंड चारकोल। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। आज मैंने ये यूज़ किया था तो मेरा फेस थोड़ा ड्राई हो गया था, क्योंकि मेरा फेस ऑलरेडी ड्राई है। तो ऑयली स्किन वालों के लिए ये कॉफ़ी एंड चारकोल इज़ गुड, और जिनकी स्किन में इतना ड्राई है। और जो विटामिन सी होता है वो हेल्प करता है आपकी स्किन को क्लियर करने में, जो भी पिगमेंटेशन होते हैं अराउंड योर माउथ और एनी वेयर, इट लाइटन है। तो विटामिन सी इज़ वेरी गुड, एंड इफ़ यू हैव लाइक ऑयली स्किन तो डीप क्लेंजिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है, तो चारकोल इज़ रियली गुड फॉर दैट, एंड कॉफ़ी ऑल्सो मेक्स योर स्किन ग्लो एट द सेम टाइम। रही बात इसके फ्रेगनेंस की, तो जो विटामिन सी का फ्रेगनेंस, मेरा एक फेस वॉश उछल के नीचे गिर गया था आउट ऑफ नोवेयर, काफ़ी एक्साइटेड है होता रहता है मैं वैसे। तो फिर प्रेगनेंस की हम बात कर रहे थे, विटामिन सी की जो प्रेगनेंस है काफ़ी अच्छी सी है, मतलब थोड़ी माइल्ड सी अच्छी सी है। और इसकी जो फ्रेगनेंस है, अगर आपने कभी चारकोल्स को यूज़ किया होगा एग्जैक्टली वैसी है, और कोई इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये पैराबेन फ्री है, इसमें सिलिकन नहीं है, और इसमें सल्फेट भी नहीं है, जो कि बहुत ही बढ़िया है हमारी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए। और जो इसका प्राइस है वो है 499। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप इसको एक ट्राई देना चाहते हो तो ज़रूर दो, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, इससे पहले मैं एम कफीन का फेस वॉश यूज़ करती थी, ग्रीन टी वाला, तो अब मैंने इस पर स्विच किया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं इतनी जल्दी स्विच नहीं करती कोई भी फेस वॉश, मैं एक साल से एम कफीन यूज़ कर रही हूँ। बात इंग्रेडिएंट्स की, तो सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो इनका की इंग्रेडिएंट है, जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है तो वो ज़्यादा अमाउंट में हमारे किसी भी प्रोडक्ट में होता है। तो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही एलोवेरा जेल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसका सेकेंड है ग्लिसरीन, तो मतलब आपको क्या चाहिए और एक फेस वॉश में जब इतना कुछ उसमें मिल रहा है। और बाकी यही था इसका रिव्यू, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, आप अमेजोन से इसको ले सकते हो। और अब बाकी का ब्लॉग हम बाद में स्टार्ट करेंगे मेरी डेली लाइफ का, या तो बाद अस करेंगे भंगड़ा, क्योंकि 7 o'clock हमारी क्लास है और जितना ईजी लगता है उतना होता नहीं है, हमें देखने को लगता है कि बस जैसे हाथ हिला लिए पैर हिला लिए तो हो गया, बहुत एनर्जी चाहिए। उसके बाद मैं और करण बाहर गए थे, वो ब्लॉग में नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। जिम का सामान तुमने बोले ना, I'm
बाहर जा रहे हैं तो आओ तो क्या कर रहे हैं दिस एंड दिस यू नो वन बैक टू एफर्ट इन स्टेप में लिखने के ना दोनों का पकड़ होना बहुत जरूरी है ठीक है उनका ये थी ना बंदे से कुछ ना फटाफट वीडियो बनाने स्टार्ट कर देते हैं तो वीडियो से कुछ अजीब नहीं दिख रहे हैं ना सी ऐसा अरे मेरे स्टूडेंट्स ना अलग प्रॉब्लम थी मतलब तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा जा ज़्यादा डिस्टेंस टाइम लगे कोई नहीं फास्ट रखो चीज़ जागरण रोकना On my count, 1, 2, 3, go. 1, 2, चलो पट्टे चलो, पट्टे चला. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3 बज ना. 4, 5, ये बज रही है. मैं तो उनकी किया control. हाय, जेट landing है ना तो डी, लता डी, थल्ले लगने डी. वो control कर दे beat slow है ले. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 now, hands go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहाँ मैं करण को योगा के थोड़े पोजेस करा रही थी फॉर स्ट्रेचिंग क्योंकि इसकी बॉडी काफ़ी स्टिफ है तो मैं इसको सिखा रही थी हाउ टू डू योगा और आप इसकी हालत देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल इसका मन नहीं था इसको करने का हाँ जी तो अब हमारा सेशन हो गया एंड एंड इट वाज हेल ऑफ अ सेशन हेलो जी एक तो जनता फोन च डुबी रहती है उन्हें पता नहीं बाहर भी निकलना होता आज का सेशन तो बहुत ही तगड़ा था बहुत मज़ा आया और अब मैं नहाने जाऊंगी पाठ करूंगी फिर सोऊंगी और खाना तो मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने और करण ने आज बाहर खा लिया था तो वो व्लॉग मैं अगले व्लॉग में डालूंगी रेस्टोरेंट रिव्यू है मतलब कैफ़े रिव्यू है
तो आज के लिए बस इतना ही एंड बाय बाय। आई होप तुहानू वीडियो बहुत चंगी लगी होएगी, तो जे लगी होएगी प्लीज़ कमेंट करके दस्यो एंड असी होर वधिया वीडियोज़ थोड़े लिए लेके आवेंगे। प्लीज़ कमेंट च दस्यो तुसी की होर कंटेंट वेखना चाहते हो साडे चैनल ते। बाय फॉर नाउ।